नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई यानी कि IIT मुंबई ने आयु सिंक को विकसित किया है, यह आयु सिंक क्या है? तो ये है डिजिटल स्टेटोस्कोप। इसको IIT मुंबई ने बनाया है, जो पुराने जो आला थे यानी कि स्टेटोस्कोप, उनको डिजिटल में परिवर्तित कर दिया है। अब यहीं पे बात ये भी आता है कि जो पुराने आला थे या स्टेटोस्कोप था, उसको डिजिटल में क्यों परिवर्तित किया गया है? तो ये इसलिए बनाया गया है कि जो COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति हैं, उनके जांच के लिए जो पुराने स्टेटोस्कोप का जो इस्तेमाल होता था, इससे जो चिकित्सक थे, जो डॉक्टर थे, उनको खतरा होने की संभावना, जैसे कि वो भी संक्रमित हो सकते थे, इसलिए इसको विकसित किया गया है। जैसे कि हाल ही में KGMC में अभी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे दो डॉक्टरों को जो COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति हैं, उनको इलाज करते करते ये भी उससे संक्रमित हो गए हैं। तो इसका बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे चिकित्सक या डॉक्टर हैं, वो सेफ रहेंगे, तो और लोगों की इलाज भी कर सकते हैं। और ये जो स्टेटोस्कोप है, इसको तार या ब्लूटूथ के माध्यम से भी कनेक्ट किया जा सकता है। और IIT मुंबई की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958। और इसकी जो क्या नाम है, निदेशक हैं, वो हैं सुभाषिस चौधरी। सुभाषिस चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2020 को विश्व भर में पहला विश्व क्षयग्रस्त रोग दिवस मनाया गया, निम्नलिखित में से कौन इस रोग के परजीवी का वाहक है? तो वह है ट्रियाटोमाइन कीट। ट्रियाटोमाइन कीट, ये जो ट्रियाटोमाइन कीट है, इसके मल में एक परजीवी पाया जाता है। वो उस परजीवी का नाम है ट्राइपानोसोमा क्रूजी। ट्राई पानो सोमा क्रूजी, ये परजीवी पाया जाता है। इसके वजह से जो रोग होता है, उसको बोलते हैं चागास रोग। इस चागास रोग को साइलेंट एंड साइलेंस्ड डिजीज भी कहते हैं। ये जो चागास दिवस है, ये मनाए जाने का जो उद्देश्य है, वह है कि इस रोग के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना। और इस रोग का नाम चागास कैसे पड़ा, तो ब्राज़ील में एक 14 अप्रैल 1909 में एक मरीज मिला था, जिसका जो इलाज किया था डॉक्टर कार्लोस जस्टिनी यानो रिबेटो चागास, तो इन्हीं के नाम पर चागास नाम पड़ा। और इस बीमारी में हल्का सूजन के साथ बुखार आता है, जो अगर समय से इलाज ना हो तो लंबे समय तक बना रहता है और समस्या बन सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने COVID-19 के कारण आने वाली वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है? तो ये किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। ये पूरे भारत में मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के तहत इसको स्थापित किया गया है। और जो विभिन्न राज्य सरकार के जो राज्य सरकार हैं, उनके साथ समन्वय के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनकी जो समस्या है, उसको दूर करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। और नियंत्रण कक्ष तक पहुंचने का जो माध्यम है, तो उसे जो श्रमिक हैं, फ़ोन, व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा उससे संपर्क कर सकते हैं। और बात करें श्रम रोजगार मंत्री की, तो वह हैं संतोष कुमार गंगवार। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य कोरोना वायरस के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये बना केरल राज्य। केरल राज्य को ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने केरल में स्थित वो तिरुवनंतपुरम में चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ICMR ने दिया है। केरल
केरल की बात करें तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो सीएम है वो हैं पिनारई विजयन, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं उनकी वृद्धि दर इस साल 1.8 से 2.8 रहने का इसने संभावना जाहिर किया है, जबकि वहीं पे देखा जाए 6 महीने पहले इसने किया था 6.3% रहने का अनुमान। और इस रिपोर्ट में जो दक्षिण एशियाई जो 8 देश हैं इसमें मालदीव सबसे ज़्यादा प्रभावित इसको माना गया है, और उसके बाद फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 1.5 से 2.8% की दर से बढ़ने की भी संभावना जताया है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, 1944, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास, डेविड मालपास। ये जो है अध्यक्ष ये 13वें नंबर के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई का निधन हो गया। अटॉर्नी जनरल पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 में है। जो अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति करता है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना काम करते हैं, और जो ये अटॉर्नी जनरल भारत की किसी भी अदालत में इनको सुनवाई करने का अधिकार होता है। साथ ही संसद के दोनों जो सदन हैं लोकसभा राज्यसभा, इसमें इनको भाग लेने और बोलने का भी अधिकार है, लेकिन सिर्फ इनको मत देने का अधिकार नहीं है। 2001 में इनकी बात करें जो अशोक देसाई हैं, इनको 2001 में पद्म भूषण और कानून पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। और अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्होंने 1996 में, जुलाई 1996 में से लेके 1998 तक इन्होंने कार्य किया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक बहुसंस्थागत बहुभाषी विज्ञान संचार पहल को प्रारंभ किया गया है, इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है कोविड ज्ञान पहल, कोविड ज्ञान पहल। इसके जो कोविड ज्ञान पहल है इसके द्वारा कोविड-19 महामारी के वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलुओं को सार्वजनिक डोमेन में लाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, साथ ही इस रोग को कम करने के लिए संभावित साधनों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करना है इसका जो मेन मकसद है। और बात करें ये जो बहुत संस्थागत कंपनियों में, तो जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आदि इसमें कंपनियां हैं, इन्हीं के माध्यम से कोविड ज्ञान पहल का जो है निर्माण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ मिलकर ऋषिकेश एम्स ने देश का पहला दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को स्थापित किया है? तो वो किया है भेल, भेल के माध्यम से, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश के एम्स में इसको स्थापित किया गया है। इसका जो प्रयोग है वो कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए किया जाएगा, और इसके माध्यम से ही जो डॉक्टर हैं वो मरीज के तापमान और ऑक्सीजन के बारे में पता लगा सकेंगे कि इसके जैसे जो कोविड-19 है जब इससे जो व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके फेफड़े में प्रॉब्लम हो जाती है और ऑक्सीजन उसके पास कम पहुंचने लगता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो इसके माध्यम से डॉक्टर पता लगा
लेगा कि ऑक्सीजन का जो प्रवाह है कहाँ कितना तक पहुँच रहा है। ठीक, और वर्तमान में इस सिस्टम का जो प्रयोग है वो दुनिया के कई और भी जगहों पे किया जा रहा है, और इसका जो उपयोग है वो हेमोडायलिसिस के रोगियों के निगरानी के लिए किया जा रहा है। बात करें भेल की, तो भेल की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, 1954 में, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक, कर्नाटक। और इसके जो सीईओ और एमडी हैं वो हैं एमबी गौतम, एमबी गौतम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को कौन से बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इनको पहले ये कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक थे, बाद में कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय हो गया था, इसके बाद से इनको यूनियन बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। बात करें यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक के जो मुख्यालय है वो है मुंबई, मुंबई, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 11 नवंबर 1919 को हुआ था, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं राजकिरण राय। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये किया है 0.01%। जब ये पहले 0.08% था, इससे जब बढ़ाकर 1.01% जब किया है, तो इसका अब एचडीएफसी बैंक में इसकी जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 2976 करोड़ का। और इसकी जो बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई था वो हुआ था 1994 में, 1994, और इसका जो मुख्यालय वह है मुंबई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।